और जिनकी वजह से हो रहा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन है, और ये बिल्कुल ना समझें कि किसी को नहीं पता है कि किसकी वजह से हो रहा है ये और क्यों हो रहा है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और कोई डरा हुआ नहीं है। पप्पू यादव ना कभी किसी से डरा है ना कभी डरेगा। कल दो घटनाएं हुई, एक जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी और दूसरी के बारे में सोच के सुकून मिलता है। कल हम सब ने मिलके एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय जो जो हुआ है, कल हुआ और कल चला गया है, और अब जब जेल जाने की बारी आई है तो मेरे पिता अकेले हैं। कल 9 बजे से लेके कल आज सुबह 3 बजे तक वो सिर्फ एक मुजरिम की तरह ट्रीट हुए हैं, और मैं जानना चाहता हूं कि उनका जुर्म है क्या। हॉस्पिटल्स की जो हालत है बिहार में, उसकी सच्चाई दिखाना जुर्म है या दवाइयां नहीं हैं तो जिनको ज़रूरत है उनको दवाइयां पहुंचाना जुर्म है, लोगों को खाना देना जुर्म है, या जो काला बाजारी चल रही है दवाइयों की उसको उसको पेश करना जुर्म है। सबसे बड़ा जुर्म मेरे को ये लग रहा है कि एक नेता के घर पे जो छापा मार के उन्होंने आप लोगों के लिए जो एम्बुलेंसेस यूज़ होनी थी वो बस घर पे पड़ी हुई थी, और उन्होंने वो बस ये चाह रहे थे कि वो सारी एम्बुलेंस यूज़ हों आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है कि यही जुर्म उनका सबसे बड़ा रहा। अपना परिवार छोड़ के उन्होंने बिहार के हर एक परिवार के लिए काम करना सही समझा। हर एक परिवार की एक भी पुकार अनसुनी ना जाए, उनका बस यही मकसद है शुरुआत से। मैं हर रोज बात करता था उनसे, कल से कल के पहले तक हर रोज, और बस एक ही चीज़ पूछता था मैं उनसे कि क्या आपकी तबीयत ठीक है, क्योंकि मैं भी घर पे बैठ के आराम से आप लोगों की तरह बस देखता था कि वो उनकी वीडियोस कि कभी वो कोविड वार्ड में जा रहे हैं, पेशेंट्स के बीच में जा रहे हैं, मुर्दा घर जा रहे हैं, या भीड़ के बीच में खाना दे रहे हैं, या कोई कोई माँ उनसे गले लग के अपने बेटी या बेटे के लिए रो रही हैं। तो मुझे भी यही लगता था, या तो कभी किसी मुर्दा के साइड में खड़े हैं मुर्दा घर जाके, तो वो देख के मेरे को बस यही लगता था कि दूसरी बॉडी मेरे पिता की भी हो सकती है इस महामारी के कारण। और हमेशा जब भी मैं उनसे पूछता था कि पापा मास्क पहन रहे हैं या सैनिटाइज कर रहे हैं या कुछ ध्यान रख रहे हैं, तो वो कहते थे कि मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे साथ पूरा बिहार है, उनका स्नेह है, उनका उनकी दुआ है। और वो आज अकेले बीरपुर में पूरी रात नहीं सोए हैं और अकेले हैं, और जहाँ उन्हें रखा गया है वो बिल्डिंग किसी भी वक्त टूटने के दम पे है। और जब ऐसा व्यक्ति इतना काम करके, इतने इतनी सच्चाई से काम करके अकेला पड़ जाए तो बुरा बुरा लगने वाली बात है ये, कि उन्होंने हर एक घर के लिए अपना घर छोड़ा है, अपने घर की जिम्मेदारियां छोड़ के आप सबके बीच रहने का संकल्प लिया, आप सबके लिए जीने के लिए संकल्प लिया,
हमने कल बहुत बहुत साथ दिया उनका ट्विटर पे और किस पे नहीं, पर सिर्फ ट्विटर ही चीज़ नहीं रह गई है, सिर्फ नंबर वन ट्रेंड होना ही नहीं रह गया है। जब ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाए जो रात दिन सेवा करे लोगों की और लोगों के लिए ही जिए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग के, हम लोग उन्हें बोलते थे आ जाइए आप वापस, आ जाइए, ठीक नहीं है, रिस्की है, सही नहीं रहेगा, मगर उनका एक ही कहना था हमेशा कि बिहार के लोगों की, लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं बस वही कर रहा हूँ। अपने बारे में, अपनी अपनी जान के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए वो बस आप लोगों के लिए काम रात दिन करते रहे। हॉस्पिटल में छापा मारना हो तो पप्पू यादव जाएंगे, खाना देना हो तो पप्पू यादव देंगे, दवाई देना हो तो पप्पू यादव देंगे, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए तो पप्पू यादव करेंगे। अभी हमारे बीच पप्पू यादव कौन बनेगा, कहां से लाएंगे हम दूसरा? हम उन्हें अकेला इस टाइम पे नहीं छोड़ सकते। मैं बेटा हूँ इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ, नहीं, अगर मैं सिर्फ एक बेटे की तरह सोचता तो शायद मैं उनको ज़बरदस्ती बहुत पहले घर बुला चुका होता, पर मैं एक नागरिक की तरह सोचूं तो बहुत बुरा लग रहा है। जो आदमी रात दिन एक करके सिर्फ दूसरों के लिए जिए और उसके साथ ऐसा अन्याय हो, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना हम लोगों को मंजूर करना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ आप सबके सामने और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है जो हुआ है मेरे पिता के साथ, कल से हुए जा रहा है और अभी भी हो रहा है। बाढ़ का पानी हो, बाढ़ के पानी में चलना हो, या इस महामारी के टाइम पे हॉस्पिटल जाना हो, या भीड़ में जाना हो, या मुर्दा घर जाना हो, तो सिर्फ पप्पू यादव ही जाएगा, और जेल जाना हो तो सिर्फ मेरे पिता पप्पू यादव ही जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा मैं समझ नहीं रहा हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों है? हमेशा एक आदमी जब दूसरों के लिए जिए जा रहा है 2400 घंटे, तो जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा अकेला कैसे पड़ जाता है? हमेशा हमेशा उसकी आंखों में आंसू रहते हैं हर एक काम करने के बाद, हम अकेले पड़ जाते हैं, उसका पूरा परिवार अकेले पड़ जाता है। हम क्यों अकेले रह जाते हैं जब वो व्यक्ति रात दिन बस दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरे क्यों नहीं खड़े हो सकते उसके लिए, क्यों नहीं आवाज निकाल सकते, क्यों नहीं हम, अगर एक पप्पू यादव बिहार के लिए इतना कर सकता है तो सोचिए दो पप्पू यादव या 10 पप्पू यादव या 1,00,000 पप्पू यादव कितना करेंगे। मैं कहूंगा मेरे पिता का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक जुनून है, जो वो जुनून हर एक के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी है, मेरी बहन के अंदर भी है, मेरे भाई के अंदर भी है, और आप सब के अंदर। वो सारा जुनून एक साथ अगर काम करे तो हमारा जो पहला पप्पू यादव है वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। मैं दिल से खुशगुजार हूँ आप सबका कि हम सब ने कल बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया मेरे पिता को, पर अभी रुकने की बारी नहीं है। उनको अभी तक हरास किया जा रहा है, जैसे कल रात से वो सोए नहीं हैं, खाए नहीं हैं, उनको दवाइयाँ उनकी उनको उनको दवाई खानी होती है, उनको शुगर है, उनका 1.25 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, राइट पैर की नसें उनकी वीक हैं तो खून सर्कुलेशन नहीं होता है उनके राइट पैर में अच्छे से, और
किस जुर्म में ये सजा उनको दी जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ।